इस बीच पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में भी कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां महिला विधायकों की आपस में हाथापाई का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखा कि कुछ महिला विधायकों की पहले आपस में किसी बात पर कहासुनी हुई और इसके बाद वो एक दूसरे को पकड़कर खींचने लगे। इसके बाद वहां हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि हाथापाई कर रही महिला विधायकों को रोकने के लिए कुछ आदमी भी वहां पहले से मौजूद रहे, लेकिन महिलाओं ने उनकी बात नहीं सुनी और काफी देर तक वहां ऐसे ही हंगामा चलता रहा। और इससे पहले इमरान खान ने उनकी सरकार को साजिश के तहत गिराने का आरोप लगाया था। साथ ही पाकिस्तान के लोगों से अगले चुनाव में विपक्ष को सबक सिखाने की अपील भी की गई थी कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करें कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच पीपी नेता बिलावल भुट्टो ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। हम इधर बैठे हैं, हम पार्लियामेंट में अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और सारे इदारे जिनका जिम्मेदारी है पाकिस्तान का आईन का तहफ्फुज़ करना और पाकिस्तान का आईन पे इम्प्लीमेंट करना कि पाकिस्तान का आईन का तहफ्फुज़ किया जाए और हमारा अदम एतमाद लीगल है उसको माना जाए। जहाँ स्पीकर मौजूद नहीं, जहाँ डेप्यूटी स्पीकर मौजूद नहीं, उनका अपना फैसला था कि यार सादिक साहब पैनल ऑफ चेयरमैन पे रखा जाए और हमने अपना हाउस का पॉलिसी फॉलो करते हुए चेयरमैन अयाज सादिक ने हमारा नेशनल असेंबली सेशन को चेयर भी किया, रूलिंग भी दिया, अदम एतमाद का वोट भी करवाया और ऑपोजिशन के हक में, अदम एतमाद के हक में हमने 195 वोट्स भी गिनवाए हैं। आज हमारा उम्मीद है कि हमारा अदालत मौजूद है, आजाद अदलिया मौजूद है और वो किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि गैर। पाकिस्तान में कल सुबह से रात तक सियासी हलचल मची रही। सुबह संसद से शुरू हुआ हंगामा शाम ढलते ढलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां आज इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। कासिम सूरी ने अदम एतमाद की करारदाद को आईन के मुनाफी करार देते हुए अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बड़ा सरप्राइज, यही था वो सरप्राइज। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। तारीख बदलती है, तकदीर नहीं। पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ आंसू आए हैं। हुक्मरानों ने मुल्क के आईन को ताबूत में दफन होने के लिए कंधे पर उठा लिया है। तलाव करने की रूलिंग देता हूँ, विमान की कार्रवाई रोक की जाती है। आईन के जनाजे का शोर पूरी पाकिस्तानी मीडिया में गूंज रहा है। कासिम सूरी ने अदम एतमाद की करारदाद को आईन के मुनाफी करार देते हुए अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बड़ा सरप्राइज, यही था वो सरप्राइज जिसकी बातें हो रही थी। अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। लोकतंत्र पाकिस्तान में विलाप कर रहा है, संसद पर गम की चादर फैली है। क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफ और नजार है कि बाहर की ताकतें यहाँ पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? सुल्तान इमरान खान नियाजी की साजिशों की बू पाकिस्तानी आवाम के नथनों में गंद भर रही है। पाकिस्तानी मीडिया पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिरने की खबर। कासिम सूरी ने अदम एतमाद की करारदाद को आईन के मुनाफी करार देते हुए अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बड़ा सरप्राइज, यही था वो सरप्राइज जिसकी बातें हो रही थी। अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। सुना तो बहुत था आवाम ने कि पाकिस्तान में किसी की 5 साल सरकार नहीं चलती, लेकिन ना चलने वाली सरकार का सुल्तान ऐसा होता है पाकिस्तान ने शायद ही सोचा। सेना की कठपुतली इमरान के कठपुतली संसद के डिप्टी स्पीकर, कठपुतलियों के खेल में इमरान नियाजी जीत गए।
आवाम हार गई। षड्यंत्र, धोखा, वादा खिलाफी, एतबार पर तलवार का वार।